हेलो एंड वेलकम टू डीएनए एडिटर्स टेबल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे राज्य की जहां पर सरकार गिरने की नौबत आ चुकी है। यहां हम बात कर रहे हैं हरियाणा राज्य की। हरियाणा में अगर देखा जाए तो लोकसभा में भी जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन किए थे और उसमें बात हुई थी कि बीजेपी 2-3 सीट हारेगी, लेकिन बीजेपी ने 5 सीटें लूज करी और 5 सीटें कांग्रेस के खाते में गई। तो अब जो वहां पे लोकसभा सीटें हैं 5-5 की हैं, लेकिन अगर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में वहाँ पर टोटल 88 सीट हैं, जिसमें बहुमत के लिए आपको 45 सीट चाहिए, लेकिन बीजेपी के पास फिलहाल सिर्फ 41 सीटें हैं, यानी कि 41 सीट्स हैं, जिससे कि कांग्रेस के जो लीडर हैं धर्मेंद्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बयान दिया है और ये उन्होंने अपील करी है कि ऐसे सरकार चलाना असंवैधानिक है, कि आप मेजॉरिटी में नहीं हैं और फिर भी सरकार में काबिज हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि क्या हरियाणा की सरकार गिर सकती है और जो नायब सिंह सैनी वहाँ के सीएम बनाए गए हैं, क्या उनके जो सत्ता है वो जा सकती है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं स्टूडियो में डीएनए के एडिटर तनवीर आजम जी। तो तनवीर जी, ये जो हरियाणा क्राइसिस चल रही है पूरी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो हरियाणा में चल रहा है ये लोकसभा चुनाव से पहले ही एक्चुअली जो बीजेपी की सरकार थी वहाँ पे वो जेजेपी के सपोर्ट्स में चल रही थी जी। फिर जेजेपी ने अपने जो एमएलएस थे उनको उनका सपोर्ट वापस ले लिया बीजेपी से, उनके लोकसभा में सीट का बंटवारा नहीं हो पाया, उसकी नाराजगी की वजह थी। प्लस जेजेपी जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, उनको ये पता था कि मतलब जाटों का गुस्सा और किसानों का गुस्सा जो है वो बीजेपी के खिलाफ है, क्योंकि वो किसान आंदोलन और इन सब को लेके, और जेजेपी जो है वो चौटाला की जो पार्टी है वो बेसिकली वो जाटों की ही पार्टी है जी। तो वो नाराजगी से भी बचने के लिए उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। उसके बाद में 2-3 महीने बाद ये हुआ कि 3 जो इंडिपेंडेंट MLAs थे जिनका भी समर्थन बीजेपी को प्राप्त था, उन्होंने भी समर्थन वापस ले लिया और उन्होंने ये बोला कि मतलब हम कांग्रेस के साथ हैं या इनसे सरकार के साथ नहीं है। अब उसमें क्या हुआ कि लोकसभा की कोताहुल में ये मामला कहीं ना कहीं दब गया। अभी आप देखेंगे तो हाँ बिल्कुल, नायब सिंह सैनी जिनको कि बीच में सीएम बनाया गया है, मनोहर लाल खट्टर सीएम थे, बट मनोहर लाल खट्टर को सीएम के पोस्ट से हटा के उनको करनाल से चुनाव लड़वाया गया लोकसभा का, वो सीट जीत गए। अभी वो पावर मिनिस्टर के तौर पर उनको उन्होंने सब मतलब पावर मिनिस्टर बन गए हैं वो। तो नायब सिंह सैनी की जो सरकार है वो 41 तो बीजेपी के MLA हैं, एक इंडिपेंडेंट MLA का उनका सपोर्ट है और एक हरियाणा लोकहित पार्टी जिनके की एक ही MLA हैं उनका सपोर्ट है। फिर भी ये मतलब माइनॉरिटी गवर्नमेंट ही है जी। अब गवर्नमेंट चल रही है, कांग्रेस दूसरी तरफ से आक्रामक है कि मतलब ये गवर्नमेंट कैसे चल रही है, कम से कम फ्लोर टेस्ट किया जाए। जेजेपी दुष्यंत चौटाला की भी ये मांग हो कर रहे हैं कई बार कि भाई ये मेजोरिटी में नहीं है ये गवर्नमेंट, और गवर्नर से वो लोग डिमांड करते रहते हैं। अब इसमें मुझे लगता है कि अक्टूबर में वहाँ चुनाव होने हैं, अक्टूबर तक जून का महीना ख़त्म हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर मोर और लेस 3 महीने बचते हैं, फिर वो डेट आ जाएंगे इलेक्शन के, आचार संहिता लग जाएगी। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इसमें सरकार गिराने से या सरकार बचा लेने से बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है, 2-3 महीने की बात है। हाँ ये ज़रूर है कि बीजेपी के लिए हरियाणा अब एक टफ मतलब वो होता जा रहा है, क्योंकि देखिए जब पिछले जो लोकसभा भी चुनाव हुए थे और उसके बाद बीजेपी ने जिसमें 10 की 10 सीटें जीती थी जी। उसके बाद भी जब विधानसभा हुए और इसी तरह हुए थे, 5-6 महीने के बाद ही होते हैं, टाइमिंग ही ऐसी है जी। उसमें भी बीजेपी का बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था, मतलब वो मेजोरिटी अपने दम पे नहीं ला पाए थे, तो फिर उनके बाद वो जेजेपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई थी। इस बार तो बीजेपी ने अपना उनका जो जनाधार है वो कम हुआ है, 5 सीटें हारे हैं, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो रूरल जो क्षेत्र हैं वो सीटें हार गए हैं। वो बीजेपी जीती है गुरुग्राम में जो शहरी क्षेत्र मानते हैं हम लोग, बीजेपी जीती है फरीदाबाद में, करनाल में, जो उस मतलब जो शहरी क्षेत्र हैं, गांव में बीजेपी की थोड़ी जो पकड़ है वो कमज़ोर हुई है। और नायब सैनी से भी मतलब ऐसा, मनोहर लाल खट्टर की एक अलग बात थी, इवन मनोहर लाल खट्टर के साथ भी जब बीजेपी मनोहर लाल खट्टर का जब उन्होंने नाम पहली बार चीफ मिनिस्टर के लिए आगे किया था, तो एक बहुत ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था कि पहली बार हरियाणा में एक ऐसा इंसान चीफ मिनिस्टर बना था जो जाट नहीं था जी, नॉन जाट चीफ मिनिस्टर पहली बार दिया था। और उस वक्त भी लगा था कि पता नहीं ये सरकार चल पाएगी कि नहीं, लेकिन क्योंकि बीजेपी मेजोरिटी में थी, अच्छी मेजोरिटी थी, मनोहर लाल खट्टर एक
अच्छे नेता साबित हुए, उन्होंने किसी तरीके से सरकार चलाई, अच्छी सरकार चलाई। दूसरी बार जब जीते, जब बीजेपी जीती और जब जेजेपी के समर्थन से सरकार बनी जिसमें दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री थे, वो सरकार उस वक्त भी फिर मनोहर लाल खट्टर ही सीएम बने, बाद में अभी नायब सैनी को इस बार मौका मिला है। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए जो ये ओबीसी कार्ड है वो सही तरीके से फिट नहीं बैठ रहा है? हाँ, मतलब देखिए बीजेपी एक्चुअली ये तो उन्होंने साथ लिया था किसी तरीके से, नॉन जाट वोटर्स भी वहाँ पे बहुत है जी, ऐसा नहीं, और वो बीजेपी ने उनको साथ लिया था। बीजेपी के हक में जो मतलब उनके खिलाफ जो बातें जा रही हैं हरियाणा जैसे स्टेट में, वो सबसे जा रही है एक तो अग्निवीर स्कीम जी। जो अग्निवीर स्कीम है उसका तो खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा है, हरियाणा सबको पता है, वहाँ पे सेना में वहाँ से लोगों का बड़ा इंटरेस्ट है सेना में आने का, और ये अग्निवीर स्कीम को लोगों ने वहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने नकार दिया है। दूसरा किसान आंदोलन, किसान आंदोलन को लेके जो जो हरियाणा में जिस तरीके का माहौल था, और जब सरकार ने केंद्र की सरकार ने केंद्र की बीजेपी सरकार ने जब उनको यहाँ घुसने नहीं दिया, प्रोटेस्ट नहीं करने दिया, तो हम लोगों ने ये भी देखा कि लोकसभा के जब चुनाव हो रहे थे तो बहुत सारे गांव में ये बोर्ड लगे थे और ये बोला भी जा रहा था कि तुमने हमें दिल्ली नहीं आने दिया, हम तुम्हें अपने गांव में नहीं आने देंगे। तो ये दो तीन चीज़ें हैं, बेरोजगारी एक मुद्दा है जो बीजेपी को एड्रेस करना पड़ेगा, इस मोदी 3.0 को भी एड्रेस करना पड़ेगा। तो इस वजह से ये जो चुनाव होंगे, ये सरकार अभी गिर गई कि नहीं इस पर बहुत ज़्यादा ये नहीं है, गिरा भी देंगे अगर वो दो तीन महीने की बात है इलेक्शन को आगे करके और इलेक्शन करा लें, लेकिन जब इलेक्शन होंगे तो इस बार के चुनाव बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। इसमें मेरी पूरी ये है कि इस बार के चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। लेकिन अगर ये देखा जाए कि जैसे लोकसभा में एक रिजल्ट आया कि बीजेपी को करारी मतलब चपट लगी है एक बार, और जैसे कि आपने दो मुद्दे बताए, एक तो अग्निवीर योजना बताया और दूसरा आपने बताया कि किसान आंदोलन, तो क्या विधानसभा के चुनाव पे ये फैक्टर जो है वो असर डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे। देखिए कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो हर लेवल पे असर डालते हैं। अग्निवीर की स्कीम को वहाँ के लोग, मतलब हमारी बातचीत होती रहती है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे देखते हैं और कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, मतलब लेबर समझते हैं वो, मतलब एक होता है सेना की वर्दी पहनना, सेना की खाक मतलब जो आर्मी का एक ड्रेस होता है वो, उसमें वो कह रहे हैं कि ये सरकार उसको डाइल्यूट कर दिया है, उन्होंने एक ऐसा काम को वो किया है जो कि मतलब जिनको हम दिल से उनके करीब है, तो ये तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। किसान आंदोलन भी करेगा, अभी भी किसान, आपको पता हो नहीं हो तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं, अभी भी किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल ही ममता बनर्जी टीएमसी के चार नेता गए, उनसे मिले, ममता बनर्जी ने उनसे फ़ोन पे भी बात की है। तो ये चुनाव जो आएंगे अक्टूबर वाले, ये बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल चुनाव होने वाले हैं, और जिस तरीके से कांग्रेस 5 लोकसभा की सीटें जीत के जो उनके अंदर एनर्जी आई है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पहले सीएम थे जिस तरीके से एक्टिव हुए, क्योंकि उनके बेटे भी रोहतक से इस बार जीत गए हैं दीपेंद्र हुड्डा, तो ये आसान चुनाव नहीं है बीजेपी के लिए। और अभी बीजेपी जस्ट एक चुनाव मतलब जीती है, मतलब सबसे ज़्यादा सीटें लाई है, जीत तो नहीं कह रही है, बीजेपी के स्टैंडर्ड से वो जीत नहीं है। तो ये मतलब हरियाणा एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है। तो जैसा कि हमने जाना कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी को चपत लगी ही है, और दूसरा अभी की जो सरकार है उसके भी गिराने की जो बात है वो जारी है, अब वो गिरती है या नहीं गिरती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन विधानसभा चुनाव पर बीजेपी को कितना बैकफुट पे जाना पड़ता है ये भी हमें देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएँ और जुड़े रहें डीएनए के साथ।